हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम पहलादपुर गांव में, आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे, सिर्फ लोगों का बिखरा हुआ सामान और टूटा हुआ सिर्फ घर दिख रहा होगा, क्योंकि यहां पर एक बार फिर से एमसीएफ का पीला पंजा लोगों के, जो छोटे घरों के लोग हैं, आशियानों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा था। एक बार आप देख सकते हैं, मैं पूरे इलाके को आपको दिखाऊंगी। पूरा जो इलाका हुआ है पूरा टूटा हुआ है। यहाँ पर लोग मौजूद है जिनका एक घर था, जिन्होंने अपने छोटे छोटे आशियाने बनाए थे। लोगों से बात करते हैं। बच्चे सब छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे पड़े हैं। आज बारिश हो रही है, बारिश बराबर हो रही है, सब बच्चे भीज भीज के सब परेशान हो रहे हैं। क्या बोली थी अम्मा? चावल आटा सब कम मिला, जिन्होंने कहा खवाई बच्चे ने, कहीं कल भूखे ने परेशान रहे हैं। कोई चीज ना, ना लकड़ी ना डंगरी कुछ नहीं। इसका कोई नोटिस आपको नहीं मिला? तो कोई नोटिस नहीं मिली थी जी, कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला था? अच्छा, कोई नोटिस नहीं दिया गया था इसके लिए? नहीं, हाँ जी दे रहा, कोई बात नहीं दे रहा, सारों ने किसान को डर। अच्छा, तो अभी तो बारिश का सीजन है, तो कहाँ जाएंगे आप लोग? पता नहीं, अब मारे मारे घूम रहे हैं हम लोग। पन्नी ओढ़ के ऐसे पड़ रहे हैं जी। क्या जी? पन्नी ओढ़ के पड़ रहे हैं क्या? रात में यहाँ पन्नी ओढ़ है, जीव नहीं ठीक। अभी हम बहन जी परे रहे, मतलब लोगों ने आप लोग को सामान उठाने का भी नहीं मौका दिया? नहीं, मौका नहीं दिया। हम मेरा भीतर ही रहन, मेरा हम परे रहन, हम चला हुआ लगे, तब लड़का हमारे चिल्ला पर कहा है हमारी अम्मा भीतर रही है। टूट गया मेरा, उन्हें सारा निकालने नहीं दिया। पहले बरसात आ गई, बेड टूट गई, अलवाई टूट गई, बर्तन साले फोड़ दिए, राशन पानी एक मिला दिया, सारा रूम मेरी टूटी पड़ी है। अच्छा, तो कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं नोटिस, कुछ नहीं। बता दिया तो सामान बना पहले निकाल लेता। तो किस वजह से तोड़ा गया था, मतलब आप लोगों ने यहाँ पर क्या था जो तोड़ा गया? घर तोड़ा गया? हाँ, मैं रूम रहता कमरा किराए से रह रहा हूँ जी। यहाँ किराए से रह रहा हूँ जी, यहाँ पे मैं किराए पर रहते थे यहाँ पर। हाँ, किराए से रह रहे हैं जी। झुग्गी झुग्गी डाल रखी है पन्नी की, झुग्गी डाल रखी है। अच्छा, यहाँ पर ये खेत था, उसके वजह से जो मकान मालिक वगैरह थे, उन्होंने आपको इसको किराए पे? हाँ, किराए पे दे रखा जी। मैं कितने तक? 800 रूपए लेते थे जी। 800 रूपए लेते थे? हाँ, किराए। अभी मकान मालिक जब टूट रहा था तो वो लोग आए नहीं? नहीं आए हैं जी, नहीं आए हैं। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी। देखने लगे नहीं आए? कोई नहीं आया। देखने लगे नहीं आया? कॉल करके बोला तो कल तो फोन बंद बता रहे, फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, मकान जो जिसने जिसके जमीन थी उन्होंने फोन नंबर ही बंद कर दिया? हाँ, फोन बंद कर लिया। अच्छा, आप लोग को ऐसे छोड़ दिया? ऐसे छोड़ दिया। अभी कहाँ जाएंगे, क्योंकि बारिश का सीजन है, बाल बच्चे आप लोगों के क्या ये है? मैं यहाँ बिटिया पर रहे हैं, कहाँ का जाए? अब क्या, कहीं झोपड़ी बनाएंगे या रूम लेंगे, कहीं तो मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो इसे पन्नी से गुजर करूँ क्या करूँ? क्या चीज मिल जाएगी? कब रहेंगे? मैं पन्नी ऊपर तान लेंगे, परे रहेंगे, क्या करेंगे? भूखे प्यासे रहे कहीं कैसे? पूरी बारिश में पड़े रहे, बच्चे बीमार हो गए, पूरा बारिश ऊपर हो गई, बिल्डोजर चलता रहा, हाथ जोड़ती रही कि भैया रुक जाओ, सामान हटा लेने तो कहीं रह लूंगी, नहीं सामान रोका ऐसे तोड़ दिया। अच्छा, सामान अंदर फंसे और बच्चे भी उसमें पड़े थे, तो कहा चटाने के खींच लिया निकाल के मैंने। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहीं रोक दो, हाथ भी जोड़े तब भी नहीं वो माने। माने नहीं वो? नहीं नहीं माने नहीं। तो अभी आप लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि कोई सहारा है आप? ये वो परे इधर पे, वो सामान सारा पड़ा, पूरा कल बारिश यही हो गई थी। हम आपको एक बार दिखा देते हैं पूरा ये इलाका, काफी बड़ी तोड़ फोड़ थी इस बार एमसीएफ की। आप लोग भी यही पर रहते थे? बिल्कुल, ये मेरी शॉप है। अच्छा, शॉप भी तोड़, मतलब पूरा एरिया ही तोड़ दिया? पूरा एरिया खत्म कर दिया जी। अच्छा। कोई मौका भी नहीं दिया सामान उठा, 30-35 लाख रुपए का सामान पड़ा है जी। 30-35 लाख का जी? अब किस चीज की शॉप करेगा इसकी? मेरी इस पे पार्ट की। अच्छा, तो अभी जो मालिक थे वो लोग आए नहीं? कोई भी नहीं आया जी, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। ये सामान निकाल पाया थोड़ी बहुत? अच्छा, ये सारा पीछे सामान, एक मिनट हटिए हटिए, ये देखिए गरीब लोगों का सामान बताया जा रहा है। जो यहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इन लोगों को सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया था। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका अभी कुछ भी सहारा नहीं है, लोग कहाँ जाएंगे, मौसम बारिश का हो रहा है, लेकिन किसी को भी कोई दया नहीं आई। और लोगों ने, एमसीएफ वालों ने इनका, जितने भी छोटे छोटे इन्होंने झोपड़ियाँ बना रखी थी, अपना घर बना रखा था जहाँ पे लोग रहते थे, खाते बनाते थे, सभी का छोड़ खाली जगह में रहते थे, हम लोग पड़े थे ऐसे खा जी रहे थे, कमा खा रहे थे। अच्छा। आज तुड़वा दिया दो, वहाँ से भी भग के आए, यहाँ भी भाग रहे हैं। उधर ले लो बास, उधर उधर खाते कमाते, हमारे कुछ नहीं, गरीब आदमी हम लोग, गरीब आदमी हम लोग हैं, न रहने जगह भी नहीं हमारे पास, न गाँव में न यहाँ पे। तो
आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब क्या करें भाई, कहीं जाएंगे या यहीं रहेंगे, सरकारी आदमी। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये पूरा वो एरिया है, आप देख सकते हैं एमसब का पीला पंजाब अभी भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी भी कार्यवाही चल ही रही है। ये देखिए, ये पूरा एरिया है जहाँ पर काफी बड़ी तोड़फोड़, लोगों का एक सामान नहीं है निकालने का मौका दिया गया था। जी मैं आपको अंदर एक बार चल के दिखाती हूँ, लोगों का जो सामान है वो तोड़ दिया गया है। ये देखिए लोग अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं। सामान टूट गया क्या? चीज़ सारा सामान टूट गया, झुग टूट गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे तो। अभी आप ये क्या कर रही हैं? अब तोड़ खोल रहे झुग्गी, क्या करें हम? अच्छा, मतलब दोबारा बनाने की कोशिश? नहीं, दोबारा कहाँ से बनाएंगे, बनाने नहीं देना, कहाँ से बनाएंगे, गरीब लोग ऐसे बैठे हम तो। इसमें तो हम थोड़ा बहुत पन्नी वन्नी डालेंगे बारिश में रहने के लिए, तो बच्चे छोटे छोटे हम कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी 2,500 रुपये हमसे कमरे का किराया नहीं देने आता, गरीब आदमी वैसे ही पड़े थे हम। आप देख सकते हैं नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बारिश का मौसम, अभी कहाँ लेके जाएंगे इन बच्चों को? जाएंगे आप, पन्नी ओढ़ के सोएंगे आप, ये छोटे छोटे बाल दुबक्के ऐसे सोना पड़ेगा, हमें क्या करें फिर? सारा सामान टूट रखा हमारा, नुकसान हो गया 10-20 हज़ार का, ये कहाँ से लाएंगे हम गरीब लोग? आपको निकाल सामान निकालने का भी समय नहीं दिया? नहीं दिया, काम पे से भाग भाग गए, बारिश में भींग भींग के आए हम तो, इसलिए सामान तोड़ दिया हमारा। अच्छा, काम पे गए थे जब ये तोड़ फोड़? हाँ, जब ये बच्चे भी रो रहे, बच्चे भी बोल रहे, तभी भी ना, थोड़ा बहुत बच्चे ने निकाला सामान, निकाला वो भी गीला हो गया, सोने के लिए भी जगह नहीं। एक बार हम क्या हुआ अम्मा, ऐसे बैठे हो उसे? ए बेटा बेटी है, क्या करे, झुग्गी उग्गी सब टूट गई, कुछ सामान भी नहीं बचा, कुछ खाना पीना सब आटा थे, सभी खाना पीना भी कुछ नहीं, सब भी खेल गया, सभी बिखर गया, चार पाई भी टूट गई, कुछ भी नहीं रहा, अभी कोई सहारा नहीं, अभी कुछ सहारा नहीं है, बूढ़ा खत्म हो गया, अंधी है माँ, कौन लाएगा, लड़का भी नहीं है। एक मिनट हटो बच्चों, आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे जिनकी उम्र अभी 2 महीने का कोई बच्चा है कोई, देखिए क्या हुआ अम्मा, क्या हो गया, सब झुग्गी टूट गया हमारी, मोदी ने सत्तू खोड़ दी, क्या हो गया, और क्या कुछ हो, क्या हो गया, नुकसान हो गया पूरा हमारा पूरा सब। कितने का नुकसान हुआ? अभी नुकसान हो गया पूरे, पैर में लग गए सब, हाथ में लग गए, क्या लेकिन क्या करे, गरीब का कोई सुनता नहीं है, इसलिए कोई बोलता नहीं है, सरकार भी कोई नहीं बोलती है, क्या करे। तो अभी जिसकी जमीन थी जहाँ पर आप लोग रह रहे थे, जिसको जिसने किराए पे दी, नहीं है ये सरकार की जमीन है। अच्छा, ये सरकार की जमीन थी, लेकिन कोई रहने नहीं देता। तो सर ये तो वाजिब है, सरकार की जमीन तो सरकार ने खाली भी करवा दिया। तो खाली करवा दिया इसका मतलब गरीब का ये थोड़ी होता है। तो आप लोग को खाली करने का समय नहीं दिया गया था, नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया? एक दो दिन का शांति से रुके तो शांति से कर लेना, हाथ पैर में लगे सभी, खाने कमाने न जा रहे, कोई खाने नहीं दे रहे किसी को, हमको कहाँ से खाएंगे हम लोग भी, तो शांति से लगना, तो शांति से खाली कर दे हम लोग, कोई पूरा तोड़ दे, सब नुकसान कर दे, क्या फायदा पड़े हमारा, क्या फायदा पड़े? नहीं दिया मैडम जी, अगर टाइम एक दो दिन का टाइम देते तो हम खाली भी कर देते। अभी आप लोग अचानक जैसे तोड़फोड़ हो गए, कहाँ जाएंगे? कोई सहारा नहीं है मैडम जी हमारा, हम परदेशी आदमी है, यहाँ का कोई नहीं है, कुछ दे रहा कोई, झुग्गी स्वामी को देख के आएंगे, देख के बाल का आएंगे, इधर आएंगे उठाएंगे हम लोग तो, ऐसे पड़े रहेंगे तुम, और कुम्हारे खाने को जा रहे है नहीं कोई, क्या करे, मांग के बिक के खाएंगे हम, क्या करेंगे? आप देख सकते हैं ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिनको अभी ये भी मालूम नहीं है कि बेचारे बेसहारा हो चुके हैं, इनके पास घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए पकाने के लिए भी कोई साधन नहीं है इन लोग के पास, क्योंकि एमसीएफ का पीला पंजा सब कुछ तोड़ के चला गया। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर सामानों को समेटने में लगे हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है लोगों को काफी नुकसान हो गया, लोग हाथ पैर जोड़ते रहे लेकिन कोई भी नहीं रुका, एमसीएफ का पीला पंजा चलता रहा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़ 100, मैं आंचल मिश्रा सिटी न्यूज़ 100 के लिए।